उदारपुर विधानसभा केंद्र के उदार गांव 1044 नंबर प्राथमिक विद्यालय में शिशु के आहार तथा आर्थिक घोटाले के आरोप लगाया जा रहा है। स्कूल के प्रधान शिक्षक व सभापति के ऊपर यह आरोप आम जनता द्वारा लगाया जा रहा है। पिछले 2 अप्रैल को शिशु खाद्य बंटन के दौरान तथा शिशुओं को 700 ग्राम चावल प्रदान किया गया, साथ ही कोई आर्थिक राशि प्रदान नहीं किया गया। आरोप प्रत्यारोप को लेकर लोग जहां परेशानी झेल रहे हैं, तो इसी दौरान पीड़ित प्रभावित लोगों ने संवाद माध्यम को इस संदर्भ में सचेतन किए। गौरतलब है कि करीब 7 साल पहले प्राकृतिक आपदा के चलते विद्यालय के छत व दूसरे क्षेत्र बुरी तरह बर्बाद हो गया था, जिसका अब तक कोई मरम्मत कार्य नहीं किया गया। छात्र छात्राओं के बैठने के लिए जहाँ डेस्क बेंच स्कूल में नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर सभापति आमिर हुसैन बड़भैया और प्रधान शिक्षक मधुसूदन शील पूरे मुद्दे को अनदेखी कर रहे हैं और स्कूल के उन्नयन के लिए अनुमोदित राशि तथा अर्थ कहां गायब हो रहा है, इसके बारे में कोई सुचारू तथ्य अभिभावक या छात्र छात्राओं के समक्ष अभिभावक नहीं करते। इसी दौरान आजिरुद्दीन बड़भैया, सईफुद्दीन बड़भैया, आतिकुर रहमान व शाहबुद्दीन बड़भैया ने इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ पूरे मामले की जाँच करने की मांग भी रखे हैं। কন্ডিশন তো আমরা দাদারে দেখাইছি। 2 নম্বর হইল গত 2 তারিখ চাউল দেওয়া হয়েছে 750 গ্রাম করে। এখন স্টুডেন্ট টেবিল চেয়ার সব কিছু ফসিয়া এমনি যায়। এরপরে এইখানে সাফে বাধা বানাইয়া এখানে বাচ্চারা পড়ে ও ওটার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এখন 5 পর্যন্ত ওখানে বাচ্চারা পড়ে। আপনারা স্কুলে টোটাল কতজন বাচ্চা হইব? 45 জন। 45